एक सूफी फकीर रोज अपनी प्रार्थना में परमात्मा को धन्यवाद देता था कि आहा तू भी खूब है, मुझ ना कुछ को इतना देता है कि मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूं, किस जुबान से तेरा धन्यवाद करूं। नंगा फकीर उसके पास कुछ था भी नहीं और रोज धन्यवाद दे। उसके शिष्य भी थक गए थे उसकी बातें सुन सुनकर। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि 3 दिन तक खाना ना मिला। यात्रा पर निकले थे, तीर्थ यात्रा पर, न खाना मिला 3 दिन तक, न किसी गांव में ठहरने की जगह मिली। लोग उस फकीर के खिलाफ थे, जैसे लोग फकीरों के खिलाफ सदा से रहे हैं। लोग कहते थे वह फकीर कुछ उपद्रव की बातें कर रहा है, बगावती है, उसकी बातें कुरान से मेल नहीं खाती, उसकी बातें मोहम्मद के विपरीत पड़ती है। वह फकीर अपने शिष्यों के बीच कहता है बैठकर अनलहक कि मैं परमात्मा हूँ, ये बात ठीक नहीं है, ये कुफ्र है। उसको 3 गांवों में 3 दिन तक ठहरने नहीं दिया गया, भोजन भी नहीं मिला। रेगिस्तान में थके मांदे 3रे दिन जब वे सांझ को रुके एक वृक्ष के नीचे, वह फकीर फिर अपने मसल्ले को बिछाकर बैठ गया। फिर उसने हाथ जोड़े, शिष्य बैठे देख रहे थे, देखे आज क्या ये कहता है। भूखा 3 दिन का, थका मांदा, धूली दूषित, स्नान भी नहीं कर पाए, कहीं ठहर भी नहीं सके, मगर उसने फिर वही कहा कि हे प्रभु, उसकी आंखें चमक रही है आनंद से, उसके चेहरे पर वही आनंद का भाव, फिर वही प्रार्थना, हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद है, तू सदा मुझे जिस चीज की जरूरत होती है पहुंचा देता है। एक शिष्य ने कहा कि अब बस ठहरो, अब हद हो गई, जिस चीज की जरूरत होती है पहुंचा देता है, और 3 दिन से हम भी तुम्हारे साथ है, जिस चीज की जरूरत है वही नहीं मिली है, रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, आवास नहीं मिला, अब और क्या है, मिला क्या है इन 3 दिन में। उस फकीर ने कहा तुम बीच में मत बोलो, 3 दिन तक मुझे इसी बात की जरूरत थी, वह मेरी जरूरत का ख्याल रखता है, 3 दिन तक भूखे रखना, 3 दिन तक भूखे रहना मेरे लिए लाभ का हुआ है, 3 दिन तक भूख और अपमान खाने के बाद भी मैं प्रार्थना कर सकूं, यही मेरी जरूरत थी, उसने अवसर दिया। सुख मिले तब धन्यवाद देना तो बहुत आसान है पागलों, जब दुख मिले तब धन्यवाद देने की क्षमता प्रार्थना की ही छाती में होती है। उसने मुझे एक मौका दिया, उसने मुझे एक अवसर दिया, मगर मैं भी समझ गया कि अवसर क्यों दे रहा है। वह इसलिए दे रहा है कि अब देखो, एक दिन उसने कुछ भी न दिया, भूखा रखा, फिर भी मैंने प्रार्थना की। दूसरे दिन भी उसने कहा अच्छा ठीक है, 1 दिन तूने कर ली, दूसरे दिन, दूसरा दिन भी बीत गया, अब ये 3रा दिन भी आ गया। उसने फिर एक मौका दिया कि आज 3रा दिन फिर आ गया, अब तू बिल्कुल भूखा है, जीर्ण जर्जर है, गिरा पड़ता है, अब तू धन्यवाद देगा कि नहीं देगा, अब तो रुकेगा ना, अब तो बंद कर देगा प्रार्थना। मगर मैंने कहा कि तू मुझे हरा न सकेगा, मैं धन्यवाद देता ही जाऊंगा, अंतिम घड़ी तक धन्यवाद देता चला जाऊंगा, जब तक श्वास है धन्यवाद उठेगा, श्वास ही न रहे तो फिर बात और मरते क्षण तक ओंठ पर धन्यवाद होगा। तू अगर मौत भी देगा तो वह मेरी जरूरत है तू ही देगा, नहीं तो क्यों देगा। इसका नाम श्रद्धा है, इसका नाम प्रार्थना है, प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना बड़े गहरे अनुभव से प्रकट होती है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।